दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक HP का लैपटॉप एडाप्टर आया हुआ है। इसकी आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। जो यहाँ पे 19 वोल्ट आनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो आज देखेंगे कि इस लैपटॉप के एडाप्टर में इश्यू क्या है। तो सबसे पहले इसको खोलना पड़ेगा। तो हम वैसे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई स्क्रू वगैरह नहीं है जिससे आप आसानी से खोल सकें, लेकिन दोस्तों इसके खोलने का एक तरीका है। इसको क्या करना है, आपको एक टूथब्रश लेना है, टूथब्रश, और टूथब्रश को पेट्रोल में भिगोना है इस तरह से, या पेट्रोल इसमें डाल देना है। दोस्तों, आप पेट्रोल भी ले सकते हैं। अगर आपके पास पेट्रोल नहीं हो तो आप केरोसिन या टर्पेंटाइन किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से साइड में इसे पूरी तरह से घिस देना है ताकि ये पेट्रोल पूरी तरह से अंदर चला जाए। देखिए, ये पेट्रोल पूरी तरह से अंदर चला गया है। अब इसे हमें थोड़ी देर यूं ही छोड़ देना है ताकि पेट्रोल अपना अंदर जाके काम कर सके। अंदर का जो प्लास्टिक है, अंदर का जो वो सॉल्यूशन है, तो उसको वो ही पेट्रोल या केरोसिन या टर्पेंटाइन उसे लूज़ कर देगा, उसे नरम हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, और उससे ये एडाप्टर आसानी से खुल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये अभी तो नहीं खुल रहा है। तो आपको क्या करना है, तो थोड़ी छोटी सी हथौड़ी या कोई भी थोड़ा वजन वाला कोई भी चीज़ से लेकर इस साइड में यूँ धीरे से दबाना है, ठोकना है। ज़्यादा वज़न नहीं देना है। शायद इसे खुल जाना चाहिए। हाँ, देखो दोस्तों, खुल चुका है। अगर नहीं खुल रहा है तो आप ये डिसमिस वगैरह का सहारा ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये HP का एडाप्टर अब खुल चुका है। ये पेट्रोल पूरी तरह से अंदर चला गया है। दोस्तों, इस एडाप्टर में आउटपुट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो हम देखेंगे कि इसमें इश्यू कहाँ पर है, वो मैं दिखाऊंगा आपको अपने अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक बटन क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इसका कोई चार्ज नहीं है, इससे मुझे प्रेरणा मिलती रहेगी। थैंक्स थैंक्स फ्रेंड्स।